चंदौस कस्बे के एक मोहल्ले में रहने वाली विकलांग महिला ने लगाया छेड़छाड़ और लूटपाट का आरोप। चंदौस कस्बा के एक मोहल्ले की निवासी विकलांग महिला ने अपने ही मोहल्ले के तीन युवकों पर घर में घुसकर लूटपाट करने और बलात्कार करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला ने घटना की तहरीर कोतवाली में दी है। महिला ने बताया कि उसका पति बाहर काम करता है और वह घर में अकेली रहती है। इसी का फायदा उठाकर सोमवार को पड़ोस के ही तीन युवक उसके घर में आए और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया, लेकिन महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग गए, जिसके बाद महिला ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना चंदौस में सोमवार को तहरीर दी है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है।